हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटिल किचन। मैं शमीम पटेल, आज मैं आप लोगों के साथ एक डेज़र्ट रेसिपी शेयर करूंगी जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी चीज़ केक। तो आइए, इसे बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। 200 ग्राम व्हिप क्रीम, 100 ग्राम चीज़ क्रीम, 3 टेबल स्पून शक्कर, 1 कप फ्रेश स्ट्रॉबेरी प्यूरी। फ्रेश स्ट्रॉबेरी को मैंने मिक्सर में क्रश कर लिया है, शक्कर नहीं डाली है। 200 ग्राम मिल्कमेड, 1 टेबल स्पून जिलेटिन, 2 टेबल स्पून गर्म पानी, 1 कप कॉकटेल फ्रूट, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें, 1 कप फ्रेश स्ट्रॉबेरी पीसेस, 1 पैकेट रास्पबेरी फ्लेवर की पानी की जेली या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की पानी की जेली, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो, 300 ml पानी, 15 मैरी बिस्किट, 1 टेबल स्पून मेल्टेड बटर, 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम, शुगर सिरप। सबसे पहले हम मेरी बिस्किट को क्रश कर लेंगे। ये हमारी बिस्किट क्रश हो गई है। अब इस क्रश की हुई बिस्किट में फ्रेश क्रीम, मेल्टेड बटर, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब एक डेजर्ट मोल्ड में इस बिस्किट को डाल देंगे और हाथों से अच्छी तरह से प्रेस करके फर्स्ट लेयर करेंगे। इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से प्रेस करके फर्स्ट लेयर सेट करना है बिस्किट का। अब इसे 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में सेट करेंगे। अब हम व्हिप क्रीम को बीट कर लेंगे। ये हमारा व्हिप क्रीम बीट हो चुका है। अब हम जिलेटिन को गर्म पानी में मिक्स करेंगे। ये जिलेटिन गर्म पानी में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब एक बाउल में क्रीम चीज़ डालेंगे, मिल्क मेड डालेंगे, पीसी हुई शक्कर, ये शक्कर को मैंने मिक्सर में क्रश कर लिया है, और गर्म पानी में मिक्स किया हुआ जिलेटिन। अब हम इसे बीट करेंगे। फ्रेश स्ट्रॉबेरी प्यूरी डालेंगे और इसे फिर से थोड़ा बीट करेंगे। अब इस बीट किए हुए मिक्सर में व्हिप क्रीम मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा व्हिप क्रीम मिलाएंगे और इसे चमचे से फोल्ड करेंगे इस तरह से। थोड़ा व्हिप क्रीम हम बचा के रखेंगे गार्निशिंग के लिए, और व्हिप क्रीम डालकर हमें इस तरह चमचे से ही फोल्ड करना है, बीटर का यूज़ नहीं करना है। और अगर आपको पिंक कलर ज़्यादा चाहिए तो आप पिंक आइसिंग कलर का भी यूज़ कर सकते हो, 1-2 ड्रॉप डालकर, तो ज़्यादा पिंक कलर आएगा, ये ऑप्शनल है। 15 मिनट के बाद ये हमारा बिस्किट का लेयर सेट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर जो स्ट्रॉबेरी क्रीम का लेयर रेडी किया है वो डालेंगे। इस तरह हमने सेकंड लेयर कर दिया है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट करेंगे। अब हम पानी की जेली बना लेंगे। पानी की जेली के दोनों पैकेट एक पैन में डालेंगे और 300 ml पानी डालेंगे और इसे उबाल आने तक पकाएंगे। ये एक उबाल आ चुका है, ये हमारी पानी की जेली पक चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा करेंगे। ये हमारा सेकंड लेयर सेट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर फ्रेश स्ट्रॉबेरी और कॉकटेल फ्रूट का लेयर करेंगे। ये कॉकटेल फ्रूट का मैंने पानी निकाल दिया है इस तरह से। कॉकटेल फ्रूट फ्रेश स्ट्रॉबेरी के पीसेस रखेंगे। इस तरह से हमने कॉकटेल फ्रूट और स्ट्रॉबेरी का लेयर कर दिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा शुगर सिरप डालेंगे स्ट्रॉबेरी पीसेस के ऊपर, ताकि स्ट्रॉबेरी थोड़ी खट्टी ना लगे। थोड़ा ही शुगर सिरप डालेंगे। ये हमारी पानी की जेली ठंडी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर पानी की जेली का लेयर करेंगे। ध्यान रहे, ये पानी की जेली बिल्कुल भी गर्म नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चमचे से इसका लेयर करेंगे।
ये इस तरह से पानी की जेली का लेयर कर देना है। इसे फिर से एक घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट करेंगे। ये एक घंटे के बाद हमने इसे फ्रीज से निकाल लिया है। ये हमारे पानी की जेली का लेयर भी सेट हो चुका है। अब इस चीज़ केक को हम मोल्ड से निकाल लेंगे। इस तरह से अब हम इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे विप क्रीम, फ्रेश स्ट्रॉबेरी पीसेस और ब्लैक ग्रेप्स है। ये ब्लैक ग्रेप्स ऑप्शनल है, अगर आप और किसी फ्रूट से भी डेकोरेशन करना चाहे तो कर सकते हैं। इस चीज़ केक को आप अच्छे से फ्रीज में सेट करने के बाद ही मोल्ड से निकालें। सेंटर में फ्रेश स्ट्रॉबेरी के पीसेस रखेंगे। फ्रेश स्ट्रॉबेरी के पीसेस से डेकोरेशन कर लिया है, अब हम व्हिप क्रीम से डेकोरेशन करेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से दूसरी साइड भी व्हिप क्रीम से डेकोरेशन कर लेंगे। देखिए, ये हमने व्हिप क्रीम से डेकोरेशन कर दिया है। अब हम बीच में जो जगह है उसमें ब्लैक ग्रेप्स रखेंगे। देखिए, इस तरह से हमने ब्लैक ग्रेप्स का भी डेकोरेशन कर दिया है। अब इसे फिर से 15 मिनट के लिए फ्रीज में सेट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा स्ट्रॉबेरी चीज़ केक रेडी है। आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।